हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हे मेरे परमेश्वर पिता, आज जितने लोग हमारे बीच में हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ, हे मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, ये शैतान के चुंगल से बाहर निकलें। जितने लोग लाइव देखते हैं, जितने लोग चर्च में हैं, मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये शैतान के राज्य से, ये अंधकार के राज्य से बाहर निकल सकें, ये दुष्ट आत्मा की गुलामी से बाहर निकलें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये दुष्ट आत्मा की गुलामी से बाहर निकलें। ए शैतान, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा देता हूँ, इन्हें छोड़। ए शैतान, इन्हें छोड़। ए शैतान, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, इन्हें छोड़ और निकल, इन्हें छोड़ और निकल, इनके जीवनों को छोड़ और निकल। ए शैतान, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, इन्हें छोड़, इनके जीवनों को छोड़ और इनके जीवनों से बाहर निकल सा। ओ रब रशीदा बाबा रसदा बालला खबर है नमा, ताकि ये परमेश्वर की उपासना कर सकें। आप भी मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं, आंखें खोलकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, जैसे वहां पर वो बाहर निकलना चाहते, आजादी चाहते थे, आप कह सकते हैं, है शैतान हमें छोड़। अगर आपको लगता है कि अभी आप शैतान के बस में हैं, अगर आपको लगता है कि अभी आप शैतान के अधीन हैं, अगर आपको लगता है कि अभी भी शैतान आपको चला रहा है, अगर आपको लगता है कि अभी भी शैतान आपको परमेश्वर की उपासना करने में रुकावटें डाल रहा है, तो आप कहें, ऐ शैतान हमें छोड़। ऐ शैतान, पर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हमें छोड़। आप प्रार्थना कर सकते हैं, ऐ शैतान हमें छोड़, हमारे जीवन से बाहर निकल। ऐ शैतान हमें छोड़, हमारे जीवन से बाहर निकल। आप बोल सकते हैं, जिन जो शैतान के अधीन है, जिनको अभी भी दुष्ट आत्माएं के अधीन है, जिनको अभी भी दुष्ट आत्माएं तंग करती हैं, जिनके घरों में अभी दुष्ट आत्मा का राज्य है, जिनको अभी भी दुष्ट आत्माएं परेशान करती हैं, वो कह सकते हैं, ऐ शैतान हमें छोड़, ऐ शैतान हमें छोड़। आप बोलिए, ऊंची आवाज में बोलिए, आज आपका छुटकारा है, आज आप छुटकारे को पाएंगे, आज आप छुटकारे को पाएंगे। ऐ शैतान हमें छोड़, ऐ शैतान हमें छोड़, ऐ शैतान हमारे जीवन से बाहर निकल। आप बोलिए, आप बोलिए, जिनके ऊपर प्रभाव है वो बोले, ऐ शैतान प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन से बाहर निकल। और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, ऐ शैतान प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा देता हूँ, इन्हें छोड़, ताकि ये यहोवा परमेश्वर को उपासना कर सके। ऐसी अंधकार की ताकतों, ऐसी शैतान की ताकतों, ऐसी जद टूटने की ताकतों, इन्हें छोड़ो, ताकि ये यहोवा परमेश्वर की उपासना कर सके। हालेलुया। मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग हमें लाइव देखते हैं, जितने लोग चर्च में हैं, मेरी प्रार्थना है, हे स्वर्गीय पिता, ये अंधकार के राज्य से बाहर निकलें, ये अंधकार के राज्य से बाहर निकलें, ये शैतान के अधिकार से बाहर निकलें, ये शैतान के अधिकार से बाहर निकलें, ये शैतान के अधिकार से बाहर निकलें, ये फिरौन के अधिकार से बाहर निकलें। पर यीशु मसीह के नाम से ये आजाद हो जाएं, पर यीशु मसीह के नाम से ये आजाद हो जाएं, दुष्ट आत्माओं के अधिकार से ये बाहर निकल जाएं, दुष्ट आत्मा के अधिकार से ये बाहर निकलें, दुष्ट आत्मा के अधिकार से ये बाहर निकलें। और सब लोग कहें आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। जो आमीन कहते हैं वो ग्रहण करते हैं, जो हाँ कहते हैं वो ग्रहण करते हैं, और उनके लिए आज हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो कह रहा है, मेरे अधिकार में रहो। ऐ शैतान, आज तेरे अधिकार को हम तोड़ते हैं, ऐ शैतान तेरे अधिकारों को तोड़ते हैं, आज तेरे अधिकार से हम बाहर निकलते हैं। बोलिए, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, ऐ शैतान आज तेरे अधिकार से बाहर निकलते हैं, हम तेरे अधिकार से बाहर निकलते हैं और प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के नीचे आते हैं। ऐ दुष्ट आत्माओं, तुम्हारे अधिकार से हम बाहर निकलते हैं और पवित्र आत्मा के अधिकार में आते हैं। ऐ दुष्ट आत्मा, तुम्हारे अधिकार से बाहर निकलते हैं और पवित्र आत्मा के अधिकार में हम आते हैं। और रबा ला शादा रख ला सीधा बा ला बारे रबा। और जो लोग आज बोलेंगे, निश्चय वो छुटकारे को पाएंगे। जो हाँ और आमीन कहेंगे, निश्चय छुटकारे को पाएंगे। भैया, मैं आपकी प्रार्थना करना चाहता हूँ, मेरे परमेश्वर पिता, इन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जितने लोग मुझे लाइव देखते हैं, जितने लोग चर्च में हैं, मेरे परमेश्वर पिता, इन्हें गहराई में ले चल। हे परमेश्वर पिता, इन्हें गहराई में ले चल। हे परमेश्वर पिता, हमें गहराई में ले चल। हे मेरे परमेश्वर पिता, हमें गहराई में ले चल। हे परमेश्वर पिता, हमें गहराई में ले चल।
शैतान चाहता कि हम उसके पास रहें, शैतान चाहता है कि हम उससे दूर ना जाएं, लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, जितने लोग लाइव देखते हैं और हमारे बीच में हैं, इन्हें गहराई में ले चल, हे परमेश्वर पिता इन्हें गहराई में ले चले, हे परमेश्वर पिता इन्हें गहराई में ले चल, हे परमेश्वर पिता इन्हें गहराई में ले चल, इन्हें गहरे गहरे भेद दें, पवित्र आत्मा के नौ वरदान दें, पवित्र आत्मा के नौ फल दें, आत्मा के नौ फल दें, मेरे परमेश्वर पिता इन लोगों को ब्लेस करें, ब्लेस करें, आशीषित करें, ये धन्य हो जाएं, ये गहराई में जाएं, परमेश्वर को पहचान सकें और शैतान के राज्य से दूर हो जाएं, अंधकार के राज्य से दूर हो जाएं, या दुष्ट आत्मा के राज्य से दूर हो जाएं, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये छुड़ाए जाएं, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये छुड़ाए जाएं, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये छुड़ाए जाएं, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये छुड़ाए जाएं, जितने लोग लाइव देखते हैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये छुड़ाए जाएं, जितने लोग हमारे बीच में हैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये छुड़ाए जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुड़ाए जाएं, हर एक दुष्ट आत्मा से छुड़ाए जाएं, जादू टूने की ताकतों से छुड़ाए जाएं, अंधकार की ताकतों से छुड़ाए जाएं, बीमारियों के बंधनों से छुड़ाए जाएं, आजाद हो जाएं, आजाद हो जाएं, ओ रब अल्लाह सीधा बाबा राता नखा रब बाबा सीधा बरे रेबे, मेरे परमेश्वर पिता आप इन्हें संपूर्ण पूरी तरह से आजाद करने के लिए, पूरी तरह से आजाद करने के लिए कुर्बान हुए, क्रूस के ऊपर आपने लहू बहाया, कोड़े खाए, इसलिए ताकि जब पूरी तरह से आजाद हों और गहराई में चलें, क्योंकि गहराई में आशय है, गहराई में आशय है, शैतान के किनारे के पास, शैतान के पास पास ना रहें, बल्कि शैतान से बहुत दूर निकल जाएं, दुष्ट आत्माओं से बहुत दूर निकल जाएं, आपकी ओर बढ़ जाएं, हमारे कदम आपके ओर बढ़ जाएं, ज्यादा उपवास करने वाले, ज्यादा प्रार्थना करने वाले, ज्यादा बलिदान चढ़ाने वाले, ज्यादा आपकी आराधना और आज्ञाकारी करने वाले बन जाएं, हम गहराई में चलें, हम गहराई में चलें, हम गहराई में चलने वाले बन जाएं, 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 मेरे परमेश्वर पिता वो रब अला सीधा बाबा रता रखा लाबा रीदा बारे लबा, जितने लोग मुझे लाइव देखते हैं, जितने लोग चर्च में हैं, ये गहराई में चलने वाले बन जाएं, पर यीशु मसीह के नाम से इनके ऊपर गहरे गहरे भेद प्रकट हो, इनके ऊपर गहरे गहरे भेद प्रकट हो, ये प्रभु यीशु मसीह आपके दर्शनों को देखें, ये स्वर्गीय दर्शनों को देखें, ये पवित्र आत्मा के वरदानों से भरें, गहराई में चले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ओ रब अल्लाह शादा रीबा लाखा बार राखा, ओ रब अनीता नखा रबा सीधा बल लबा, शैतान चाहता है कि हम उससे बहुत दूर ना जाएं, शैतान चाहता कि हम उसके अधीन रहकर रहें, शैतान चाहता कि हम उसके अधिकार में रहें, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके अधिकार को अपने ऊपर से तोड़ते हैं, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान के अधिकार को इनके ऊपर से तोड़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान के अधिकारों को तोड़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से के अधिकारों को तोड़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान के अधिकारों को तोड़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान के अधिकारों को तोड़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा के अधिकारों को तोड़ते हैं, इबलीस के अधिकारों को तोड़ते हैं, और रब अल्लाह सीधा बल लबा, ए शैतान इन्हें छोड़, इन्हें छोड़, ए दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ो, ए दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ो, ए शैतान ने छोड़, आजाद कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ताकि यहोवा की उपासना कर सके, ताकि ये परमेश्वर की उपासना कर सके, ताकि ये परमेश्वर की उपासना कर सके, ऐ शैतान अब तेरा यहाँ कोई अधिकार नहीं है, ऐ दुष्ट आत्मा अब तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है, ऐ जादू टोने की ताकत तो अब तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है, इन्हें छोड़ो और निकलो, छोड़ो और निकलो, छोड़ो और निकलो, अब ये तुम्हारे पास भी नहीं रहना चाहते, अब ये तुझसे थोड़ी सी दूर नहीं बल्कि तुझसे बहुत दूर, पर यीशु मसीह के अंदर गहराई में जाना चाहते हैं, पर यीशु मसीह के अंदर गहराई में जाना चाहते हैं, धन्यवाद परमेश्वर पिता, मेरे परमेश्वर पिता जिनकी शादी हो चुकी है और जिनकी शादी हो चुकी है उनके पतियों को आज आजाद करो प्रभु यीशु जी, उनके पतियों को आजाद करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिनकी शादी हो चुकी है उनके पति आजाद हो जाएं शैतान के चुंगल से, उनके पति आजाद हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उनके पति आजाद हो जाएं शैतान के चुंगल से,
उनके पति नशा छोड़ जाएं, उनके पति लड़ाई झगड़े छोड़ दें, उनके पति हर एक बुराई को छोड़ दें और उनके पति सुधर जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो शैतान के बंधनों से आजाद हो, इनके पति शैतान के बंधनों से आजाद हो, इनके पति शैतान के बंधनों से आजाद हो। जितने लोग मुझे लाइव देखते हैं, जितने लोग चर्च में हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके पति शैतान के अधीन है, जिनके पति दुष्ट आत्मा के अधीन है, जिनके पति जादू टोने के अधीन है, जिनके पति नशे के अधीन है, जिनके पति लड़ाई झगड़ों के अधीन है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो आजाद हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो आजाद हो जाएं। आप सब लोग प्रार्थना करें मेरे साथ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो आजाद हो जाएं, वो आजाद हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो आजाद हो जाएं। और जिनकी पत्नियां दुष्ट आत्माओं के अधीन है, जिनकी पत्नियां जादू टोने के अधीन है, जिनकी पत्नियां शैतान के अधीन है, जिनकी पत्नियां अबलीस के अधीन है, जिनकी पत्नियां फिरौन के अधीन है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो आजाद हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो पत्नियां जो शैतान के अधीन है आज आजाद हो जाएं, आज आजाद हो जाएं, हाँ आजाद हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाएं, पूरी तरह से गराई में चलें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो पत्नियां पूरी तरह गराई में चलें। उस उन्होंने पत्नियों ने जैसे सुलेमान के मन को बदल दिया, ऐसी ना हो जो आपकी सेवकाई में रुकावट डालने वाली हो, ऐसी ना हो जो आपकी उपासना में रुकावट डालने वाली हो, ऐसी ना हो जब आप चर्च में आए तो चर्च में आने में रुकावट डालने वाली हो। मेरे परमेश्वर पिता आज पति और पत्नी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा के बंधन से आजाद करते हैं, शैतान के बंधनों से आजाद करते हैं, शैतान के बंधनों से आजाद करते हैं, शैतान के बंधनों से आजाद करते हैं। और जितने लोग शादीशुदा हैं सब लोग प्रार्थना कर सकते हैं, ऐ शैतान हमें छोड़, ऐ शैतान हमें छोड़, ऐ दुष्ट आत्माएं हमें छोड़, ऐ शैतान हमें छोड़, हमें गराई में चलना है, हमें गराई में चलना है, ऐ दुष्ट आत्मा हमें छोड़, ऐ शैतान हमें छोड़, हमारे जीवनों से निकल, हमें गराई में चलना है, हमें गहराई में चलना है, हमें तेरे अधीन नहीं रहना, हमें तेरे राज्य में नहीं रहना, हमें गहराई में चलना है, हमें परमेश्वर के साथ चलना है, हमें परमेश्वर की बात को मानना है। परमेश्वर पिता ये ब्लेस हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनका परिवार आजाद हो जाए, इनका परिवार आजाद हो जाए, ये पति और पत्नी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आजाद हो, शैतान के हर एक बंधन से आजाद हो, हर एक शैतान के बंधन से आजाद हो, हर एक जादू टोने के बंधनों से आजाद हो, या दुष्ट आत्मा के बंधनों से। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। वो रब अल्लाशीदा बाबा सदनमा, और जिनके बच्चे जो हैं वो आज्ञाकारी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बच्चे ब्लस हो जाएं, जिनके बच्चे शैतान के अधीन हैं वो आजाद हो जाएं, जिनके बच्चे दुष्ट आत्मा के अधीन हैं वो आजाद हो जाएं, जिनके बच्चे दुष्ट आत्मा के अधीन हैं वो आजाद हो जाएं, जिनके बच्चे जिद करते हैं और अपनी मन मर्जी करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो आजाद हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो ब्लस हो जाएं, जिनके जवान बेटे बेटियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो जवान बेटे और बेटियां ब्लस हो जाएं, जवान बेटे बेटियां ब्लस हो जाएं, जिनके परिवार के लोग नशा करते हैं, जिनके बेटे नशा करते हैं, जिनके बेटे बुरी संगति में हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बुरी संगति से आजाद हो जाएं, जिनके बेटे नशा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके बेटे नशे से आजाद हो जाएं, नशे से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिनके बेटे लड़ाई झगड़े और गुंडागिरी करते हैं, जिनके बेटे बुरी संगति में रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बाहर निकलें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान का प्रभाव खत्म हो जाए। जितने लोग मुझे लाइव देखते हैं, जितने लोग चर्च में हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनकी संतान धन्य हो जाए, इनकी संतान धन्य हो जाए, इनकी संतान धन्य हो जाए, इनकी संतान जो है शैतान से आजाद हो जाए, इनके बेटे बेटियां दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाएं, इनके बेटे बेटियां जादू टोने की ताकतों से आजाद हो जाएं, इनके बूढ़े बुजुर्ग जो हैं माता पिता दादा दादी नाना नानी जितने बुजुर्ग हैं आजाद हो जाएं, पर भी यीशु मसीह के नाम से शैतान से आजाद हो जाएं, इनका घर पूरा शैतान से आजाद हो जाए, इनका घर शैतान से आजाद हो जाए, छोटे बच्चे पर भी यीशु मसीह के नाम से ब्लस हो जाएं, जवान बेटे बेटियां पर भी यीशु मसीह के नाम से ब्लस हो जाएं, बूढ़े पर भी यीशु मसीह के नाम से ब्लस हो जाएं, पति पत्नी पर भी यीशु मसीह के नाम से ब्लस हो जाएं, इनके बहनें इनके भाई
प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाएं, इनकी मम्मी, इनके पिताजी प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाएं, आज इनका पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाए, इनके नाती पोते प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाएं। हो रब अल्लाह शादाबार नमा, आप प्रार्थना कीजिए मेरे साथ, ऐ शैतान मेरे परिवार को छोड़, आप कहें ऐ शैतान मेरे परिवार को छोड़, जितनी आप हिम्मत और ताकत और विश्वास के साथ बोलेंगे आपके लिए हो जाएगा, आप कहें ऐ शैतान मेरे परिवार को छोड़, ऐ शैतान मेरे परिवार को छोड़, ऐ शैतान मेरे पिता को, मेरी माता को छोड़, ऐ शैतान मेरे दादा को, मेरी दादी को छोड़, ऐ शैतान मेरी पत्नी को छोड़, ऐ शैतान मेरे पति को छोड़, ऐ शैतान मेरे बेटे को, मेरी बेटी को छोड़, ऐ शैतान मेरे बेटे को जो नशे में चला गया उसे छोड़, जो बुरी संगति में चला गया उसे छोड़, और रब अल्लाह शदा रख लबा, ऐ शैतान मेरे परिवार को छोड़, ऐ शैतान मेरे परिवार को छोड़, ऐ शैतान मेरे परिवार को छोड़, आज पर भी यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा देता हूँ, मेरे परिवार को छोड़ दे, ऐ दुष्ट आत्माओं मेरे परिवार को छोड़ो, ऐ दुष्ट आत्माओं मेरे परिवार को छोड़ो, ऐ दुष्ट आत्माओं मेरे परिवार को छोड़ो, सब लोग प्रार्थना करें, सब लोग, सब लोग, सब लोग, अंधकार की ताकतो, अंधकार की ताकतो, ऐ शैतान की ताकतो, छोड़ो इन्हें, 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 इनके परिवार को छोड़ो, ऐ दुष्ट आत्मा और शैतान की ताकतो, इनके परिवार को छोड़ो, इनके परिवार को छोड़ो, इनके परिवार को छोड़ो, इनके परिवारों को छोड़ो, इनके परिवारों को छोड़ो, इन्हें आजाद करो, इन्हें आजाद कर, ऐ शैतान इन्हें आजाद कर, और रब अली शिदा बाबा रसीदा बाला 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 लबर इदा बरे रबा इंदा बरे रेबे हो रिबा ला बाबा इतने खबर है नमा इंदा बरे नमा तेरे बेत गेरे रेबे शिदा बाला बाला लबा हो रबा रादा बरे रबा तेरे बेत गेरे रेबे शिदा बाला बाला लबा मेरे परमेश्वर पिता हो रब अली शिदा बर नमा इनके जीवन बदले इनके जीवन बदले इनके जीवन बदले इनका परिवार आजाद हो जाए अंधकार के राज्य से बाहर निकले शैतान के राज्य से बाहर निकले शैतान के राज्य से बाहर निकले हो रब आशीदा रखा लबर नमा इनके ऊपर कोई भी जादू टोने की ताकतें हैं इनके परिवार के ऊपर अगर कोई जादू टोने की ताकतें हैं वो जादू टोने की ताकतें दूर हो जाएं जादू टोने की ताकतें दूर हो जाएं जादू टोने की ताकतें दूर हो जाएं दुष्ट आत्मा की ताकतें दूर हो जाएं इनके परिवार के ऊपर जितनी भी जादू टोने की ताकतें हैं पर यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं सब लोग कहें दूर हो जाएं दूर हो जाएं दूर हो जाएं दुष्ट आत्मा की ताकतें दूर हो जाएं दुष्ट आत्मा की ताकतें दूर हो जाएं और रब लाशिदा रखा ला बाबरी तबेरे रे बे तेरे बे तेरे रे बे आपके परिवारों को प्रभु यीशु मसीह से आजाद करते हैं आपके परिवारों को प्रभु यीशु मसीह से आजाद करते हैं आपके परिवारों को प्रभु यीशु मसीह से आजाद करते हैं वो रिबा लाशिदा रखा ला सब बाबा ता रखा ना खा ला बरी रिबा शिदा बरे नमा हिंदा बिरी रिबी शिदा बाला बाला लबा पुरी बिरी रिबी तेरी बिती गिरी रिबी शिदा बाला लबा मेरे परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मुझे लाइव देखते हैं जितने लोग चर्च में हैं पर भी यीशु मसीह के नाम से इनका बिजनेस ब्लेस हो जाए इनकी जॉब ब्लेस हो जाए इनके हाथों के काम ब्लेस हो जाए पर भी यीशु मसीह के नाम से ऐ दुष्ट आत्माएं ऐ शैतान मैं तुझे आज्ञा देता हूँ इनके बिजनेस को छोड़ ऐ दुष्ट आत्मा इनके बिजनेस को छोड़ ऐ दुष्ट आत्मा इनके बिजनेस को छोड़ ऐ दुष्ट आत्मा इनके हाथ के कामों को छोड़ ऐ दुष्ट आत्मा इनकी कमाई को छोड़ ऐ दुष्ट आत्मा इनकी खेती को छोड़ ऐ दुष्ट आत्मा इनके पशुओं को छोड़ बाहर निकल रहा अब तेरा अधिकार खत्म ऐ शैतान तेरा अधिकार खत्म ऐ दुष्ट आत्मा तेरा अधिकार खत्म अब इनकी तनख्वाह के ऊपर ऐ दुष्ट आत्मा तेरा अधिकार नहीं है ऐ दुष्ट आत्मा अब तेरा अधिकार नहीं है इनकी कमाई के ऊपर ऐ दुष्ट आत्मा तेरा अधिकार नहीं है इनकी धन संपत्ति के ऊपर ऐ दुष्ट आत्मा अब तेरा अधिकार नहीं है इनकी नौकरी के ऊपर ऐ दुष्ट आत्मा तेरा अधिकार नहीं है इनकी जॉब के ऊपर ऐ दुष्ट आत्मा तेरा अधिकार नहीं है इनके बिजनेस के ऊपर अब ये प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए हैं और रब लाशिदा बार रबा ऐ शैतान तुझे पूरी रीति से इन्हें छोड़ना है पूरी रीति से छोड़ना है ऐ दुष्ट आत्मा तुम्हें आज्ञा देता हूँ इनके बिजनेस को छोड़ो आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए सब लोग मेरे साथ प्रार्थना कीजिए और कहिए हे प्रभु यीशु मसीह हमारे बिजनेस को ब्लेस करें हे प्रभु यीशु मसीह हमारे बिजनेस को ब्लेस करें हे प्रभु यीशु मसीह हमारी धन संपत्ति को ब्लेस करें हे प्रभु यीशु मसीह हमारे पशुओं को ब्लेस करें हे प्रभु यीशु मसीह हमारी खेती को ब्लेस करें हे प्रभु यीशु मसीह हमारी कमाई को ब्लेस करें हे प्रभु यीशु मसीह
हमारी तनख्वाह को ब्लस करें, हमारी जॉब को ब्लस करें, प्रभु यीशु मसीह हमें ब्लस करें, प्रभु यीशु मसीह हमें ब्लस करें। और शैतान को डांटिए, शैतान को डांटिए, अब तेरा अधिकार खत्म है दुष्ट आत्मा, मेरे बिजनेस को छोड़, दुष्ट आत्मा मेरे बिजनेस को छोड़। आप कहें दुष्ट आत्मा मेरे बिजनेस को छोड़, दुष्ट आत्मा हमारी दुकान को छोड़, हमारी शॉप को छोड़, हमारे बिजनेस को छोड़, दुष्ट आत्मा हमारी फैक्ट्री को छोड़, दुष्ट आत्मा हमारे हाथ के कामों को जो तूने पकड़े से छोड़ और निकल, दुष्ट आत्मा मेरी कमाई को छोड़। बोलिए आप, है दुष्ट आत्मा मेरी तनख्वाह को छोड़, दुष्ट आत्मा मेरी कमाई को छोड़, दुष्ट आत्मा मेरे पशुओं को छोड़, दुष्ट आत्मा मेरी खेती को छोड़। आपका परिवार आजाद हो चुका है, अब आपको आजाद करवाना है, आपका बिजनेस को, आपके बिजनेस को, आपकी दुकानों को, आपकी फैक्ट्रियों को, आपके पशुओं को, खेती को, कमाई को, और आपकी जॉब को, आपकी नौकरी को, और जो कुछ आपका है उसे आजाद करवाना है, उसे आजाद कराना है। आप प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना करते रहें। ओ रब अल्लाह शिदा बबा रथा रखा लबा रे रबा मेरे परमेश्वर पिता, ओ रिबा शिदा बर नमा, ओ रिबा शिदा बर नमा, शैतान की ताकतें इनके बिजनेस से दूर हो जाएं, शैतान की ताकतें इनके काम धंधे से दूर हो जाएं, शैतान की ताकतें इनके पशुओं से दूर हो जाएं, शैतान की ताकतें इनकी खेती से दूर हो जाएं, दुष्ट आत्मा की ताकतें इनकी कमाई को जो उड़ा कर जाती है दूर हो जा। दुष्ट आत्माएं जो तुमके धन संपत्ति का नाश करती है, दुष्ट आत्माएं जो तुमके पैसे को टिकने नहीं देती, छोड़ इन्हें, छोड़ इन्हें, छोड़ इन्हें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देती हूं, इन्हें छोड़, इनकी कमाई को छोड़, दुष्ट आत्मा इनकी तनख्वाह को छोड़, इनके घर में ब्लेसिंग आ जाए, इनके घर में ब्लेसिंग आ जाए, इनके घर में। परमेश्वर आपके परिवारों को आजाद करते हैं, परमेश्वर आपके परिवारों को आजाद करते हैं, परमेश्वर आपके बच्चों को आजाद करते हैं। हो सकता है आप जानते भी ना हो कि आपके बच्चे कर कह रहे हैं, लेकिन जब वो ऐसा कुछ करते हैं तब आपको पता चलता है मेरे बच्चे ने गलती की है। आज परमेश्वर आपके बच्चों को उन दुष्ट आत्मा के बंधनों से आजाद करते हैं। ये उनका उनका नहीं मन होता, ये दुष्ट आत्मा उनसे कराती है, जो भी बुराई कराती है दुष्ट आत्मा कराती है, जो भी नशे की ओर लेकर जाती है दुष्ट आत्मा लेकर जाती है, जो गलत संगति में लेकर जाती है दुष्ट आत्मा लेकर जाती है, वो जब गलत कदम उठाते हैं, कोई भी बुराई करते हैं, कोई भी निजमों को तोड़ते हैं, दुष्ट आत्मा उन्हें लेकर जाती है, जिसके कारण जो है माँ या पिता को सिर झुकाना पड़ता है। आज आपके बच्चों को परमेश्वर आजाद करते हैं, आपके बच्चों को परमेश्वर आजाद करते हैं, आपके संतानों को परमेश्वर आजाद करते हैं, आपके संतानों को परमेश्वर धन्य कहते हैं। वो रबा राशिदा रखा ला बाबा बारा था रखा ला, वो रिबा रबा बाबा रीता नखा रसी बला बाबा रा था नखा रसी बला खबारे रबा। परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ इन्हें आजाद करने के लिए, इनके बिजनेस को, इनके पशुओं को, इनकी खेती को, इनकी कमाई को, इनकी तनख्वाह जो इनके हाथ में आने से पहले खत्म हो जाती है, आज आजाद करते हैं। शैतान तेरे हाथों से इसे आजाद करते हैं, तेरे हाथों से आजाद करते हैं। तू जो इन्हें निराशा में लेकर चलता है शैतान, आज इस निराशा के बंधनों को हम तोड़ते हैं। तू जो इन्हें असफल करता है, असफलता के बंधनों को तोड़ते हैं। तू जिन्हें लड़ाई झगड़े की ओर लेकर जाता है, सारे लड़ाई झगड़े के बंधनों को तोड़ते हैं। और रब अल्लाह शिदा बब रसिदा बर नमा, पर भी यीशु मसीह के नाम से इनके बच्चे कोर्ट कचहरियों से आजाद हो, इनके बच्चे जो है पुलिस केस से आजाद हो, हर एक केस से आजाद हो जाए इनके बच्चे। परमेश्वर पिता इन लोगों को ब्लेस करें, दया करें, दया और अनुग्रह करें। सब बच्चे जो भटके हुए हैं वो वापस लौट आए, जो शैतान के अधीन है वो आजाद हो जाए, वो आजाद हो जाए, और आपकी उपासना करें, एकमात्र परमेश्वर की उपासना करने वाले बन जाए। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। धन्यवाद स्वर्गीय परमेश्वर पिता, आपने इन्हें आजाद किया है। हर एक दुष्ट आत्मा इनके परिवारों से बाहर निकल गई है, हर एक जादू टोने की ताकत इनके परिवारों से बाहर निकल गई है, हर एक दुष्ट आत्मा की ताकत इनके बच्चों से बाहर निकल गई है, हर एक दुष्ट आत्मा की ताकत जो इनकी धन संपत्ति, इनकी कमाई, इनकी दुकानें, इनका बिजनेस,
इनकी फैक्ट्रियों से बाहर निकल गई है, हर एक दुष्ट आत्मा इनकी पशुओं से इनकी खेती से बाहर निकल गई है। पर यीशु मसीह के नाम से ब्लेसिंग आपकी ओर आती है, पर यीशु मसीह के नाम से आशीष आपकी ओर आती है, पर यीशु मसीह के नाम से आशीष आपकी ओर आती है। हर एक रोग पर यीशु मसीह के नाम से बाहर निकलता है, हर एक बीमारी पर यीशु मसीह के नाम से बाहर निकलती है। ओ रब्बा ला शिदा रखा ला सबबा न तनखा रब्बा सिखा निशिदा बबा रसा दबा रब्बा। पर यीशु मसीह आपको ब्लेस करते हैं, 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 पर यीशु मसीह आपको ब्लेस करते हैं। हो और आपके पेट की बीमारियों से यीशु मसीह आजाद करते हैं। मैं चाहता हूं आप अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आपके पेट की बीमारियों से यीशु मसीह आपको आजाद करते हैं, जितने भी पेट के रोग हैं यीशु मसीह के नाम से बाहर निकलते हैं, यीशु मसीह के नाम से पेट की बीमारियों इन्हें छोड़ो और बाहर निकलो, इन्हें छोड़ो और बाहर निकलो। सारे पेट के रोग यीशु मसीह के नाम से हटाए जाते हैं और हर प्रकार की घबराहट यीशु मसीह के नाम से दूर होती है, यीशु मसीह के नाम से हर एक पथरी बाहर निकलती है, यीशु मसीह के नाम से गांठे बाहर निकलती हैं, यीशु मसीह के नाम से रसौलियां ट्यूमर बाहर निकलते हैं, यीशु मसीह तुम्हें चंगा करते हैं और आपकी आंखों की कमजोरी को यीशु मसीह दूर करते हैं, आपकी आंखों को रोगों से यीशु मसीह आपको चंगा करते हैं, और जिनके काम नहीं चलते यीशु मसीह आपके काम को ब्लेस करते हैं। हर एक जादू टोने की ताकतों का प्रभाव आपके घर से खत्म किया गया है, और पर यीशु मसीह आपके घरों में आशीष देते हैं। जिनके संतान नहीं है पर यीशु मसीह के नाम से उन्हें संतान मिलती है, पर यीशु मसीह के नाम से उनके गर्भ खुले, पर यीशु मसीह के नाम से बंद टूपे खुल जाएं, पर यीशु मसीह के नाम से उन्हें संतान मिले। जिनके संतान नहीं पर यीशु मसीह के नाम से संतान मिले, कोई भी रोग है कोई भी रुकावट दूर हो और पर यीशु मसीह के नाम से उन्हें संतान मिले, पर यीशु मसीह के नाम से संतान मिले। ओ रब अलैशिदा बबरथा नखा रबो सखा लबा। और जो अपना प्लाट खरीदना चाहते हैं वो अपना प्लाट खरीदें, अपना घर खरीदें, और जो बेचना चाहते हैं वो बेच सकें, जो प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकें पर यीशु मसीह के नाम से, और जो बेचना चाहते हैं बेच सकें पर यीशु मसीह के नाम से। जिनके घर का बंटवारा होना है और जो हिस्सा मांगते हैं पर यीशु मसीह के नाम से उन्हें घर का हिस्सा मिले, और हर प्रकार का बुखार पर यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए, हर प्रकार का टाइफाइड पर यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए, घर से लड़ाई झगड़ा पर यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए, और यीशु मसीह के नाम से जिनके संतान नहीं है उन्हें संतान मिले और घर बन जाए। जो घर बनाना चाहते हैं पर यीशु मसीह के नाम से कर्जे के बंधन टूटें, पर यीशु मसीह के नाम से कर्जे के बंधन टूटें। जिन्होंने लोन की फाइलें लगाई हैं पर यीशु मसीह के नाम से इनके लोन पास हो जाएं, पर यीशु मसीह के नाम से इनके बिजनेस पर ब्लेसिंग आ जाए, इनका बिजनेस बड़े फले और फूले, पर यीशु मसीह के नाम से हर एक एलर्जी खत्म हो जाए, पर यीशु मसीह के नाम से जुकाम एलर्जी खत्म हो जाए, स्किन प्रॉब्लम दूर हो जाए, खाने पीने का एलर्जी खत्म हो जाए, पर यीशु मसीह के नाम से शुगर नॉर्मल हो जाए, पर यीशु मसीह के नाम से बीपी नॉर्मल हो जाए, सर्वाइकल दूर हो जाए, पर यीशु मसीह के नाम से सर्वाइकल दूर हो जाए, पर यीशु मसीह के नाम से सर्वाइकल दूर हो जाए, माइग्रेन दूर हो जाए, थायराइड नॉर्मल हो जाए, पर यीशु मसीह के नाम से कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाए, पर यीशु मसीह के नाम से खून की कमी पूरी हो जाए। और जिनके परिवार के लोग चर्च में प्रार्थना के लिए नहीं आते वो चर्च में प्रार्थना करने के लिए आने वाले बन जाएं। दया कर परमेश्वर पिता, पर यीशु मसीह के नाम से जिनके दिमाग की समस्याएं हैं पर यीशु मसीह के नाम से सारी दिमाग की समस्याएं दूर हो जाएं, पर यीशु मसीह के नाम से ओ रब लाशिदा बरहनमा। जिनके बच्चे गलत संगति में चले गए हैं वो वापस मुड़ाएं, हर एक लड़ाई झगड़े से वो बाहर निकलें, बुरे लोगों से वो बाहर निकलें, आजाद हो जाएं, पर यीशु मसीह के नाम से हर एक गुप्त रोग दूर हो जाए, पर यीशु मसीह के नाम से सांस लेने की तकलीफ दूर हो जाए, पर यीशु मसीह के नाम से पांव से लेकर सिर तक की हर एक दर्द खत्म हो जाए, हर एक दर्द निकले पर यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जाए। और रब अलैशिदा बललबा, और जो पुलिस केस हैं पर यीशु मसीह के नाम से ये आजाद हो, जो विरोधियों ने कोर्ट कचहरी में केस किए हैं उनसे ये आजाद हो जाएं, पर यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाएं। दया करें और जो कुछ ये चाहते हैं जो इनके लाभ के लिए है वो पूरा हो जाए, पर यीशु मसीह के नाम से
जो इनके लाभ के लिए है वो पूरा हो जाए, जो इनके लाभ के लिए वो पूरा हो जाए, जो इनके लाभ के लिए है वो पूरा हो जाए, जो इनके लाभ के लिए वो पूरा हो जाए, जो कोई ये चाहते हैं, जो कोई ये मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो पूरा हो जाए, जो कोई ये चाहते हैं, जो कोई ये मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा हो जाए, जो कोई ये चाहते हैं, जो कोई ये मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा हो जाए। ओ रब लाशिदा बाबा रास्ता खाला बाबा नीते निखे बेरे रे बिशिदा बा रे बा Hindi biri ribishi de biri nimia, ore bibi rete biri ribishi de bala baba rita bara raba, hindi biri nima tara bata gara raba, sidi biri ribishi de bala laba, hindi biri nima tere bita gara ribishi de bara raba, stuti ho pita, hinda bara nikha bara raba, jo log poitra atma pana chate hain, wo log tiyar ho jaye, poitra atma pane ke liye tiyar ho jaye, anya bhasha ka vardaan pane ke liye tiyar ho jaye, poitra atma pane ke liye tiyar ho jaye, anya bhasha pane ke liye tiyar ho jaye, o raba la shada rakha baba nita nikhe biri ribi, o raba baba re sidi biri nima tara bata gara रब्बा लॉर्ड जीसस धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। आवेगी आवेगी जदों रूदी हंदेरे होवेगी यरीहो वाले कंध टेरे। परमेश्वर पिता आज अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करें, परमेश्वर पिता आज अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करें, आज अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करें। आपकी प्रतिज्ञा है कि अंत के दिनों में मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा ढेलूंगा। आज ये इन पर अपनी पवित्र आत्मा को ढेलिए, आज इन पर अपनी प्रतिज्ञा का पूरा कीजिए, आज इन पर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कीजिए, इन पर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कीजिए, इन पर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कीजिए और पवित्र आत्मा से भर दीजिए, 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 पवित्र आत्मा से भर दीजिए। ओ रब लाशिदा बाबा रासिदा बरनमा, जितने लोग चर्च में सब लोग खड़े हो जाइए। ओ रीफा राशिदा बाबा राता राखाला बाबा रीता बारे रबा हिंदी बेने नहीं मैं तारा बात कर रहा बा और परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कीजिए, स्तुति करना शुरू कीजिए, स्तुति करना शुरू कर दीजिए। ओ रोबा लाइशिदा बाबा राता बारे रबा, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, याद रखें परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है और अपनी प्रतिज्ञा को वो पूरा करना चाहते हैं। आपके जीवन में आपके नाम को वो ऊंचा करना चाहते हैं, आपके वंश को वो बढ़ाना चाहते हैं, वो आपको आशीष देना चाहते हैं।